तो आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन पोस्ट है जो सबका ख्वाहिश होता है, यानी कि राजस्व कर्मचारी का जो सबसे बेहतरीन पोस्ट जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाला जाता है, ये पोस्ट पे आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए तो आपको बोलते हैं हम कि पैसा कमाते कमाते आप थक जाएंगे, ये जॉब पैसा देते देते आपको थकेगा नहीं। ये पोस्ट जो है आप लोग को भरना है इसलिए क्योंकि आपको नौकरी जो लेना है बेहतरीन पोस्ट पे लेना है, बेहतरीन नौकरी लेना है इंटर लेवल पे, इससे अच्छा जॉब आपको शायद नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल न्यू वैकेंसी 2023 पर। तो राजस्व कर्मचारी जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा निकाला जाएगा, टोटल पोस्ट इसमें 3559 है, यानी कि इतना पोस्ट किसके लिए है, तो लड़का के लिए भी है, लड़की के लिए भी, और अदर स्टेट वाले भी इसी में फाइट कर सकते हैं, जेंडर के रूप में उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए होगा क्या ना कि 22 तरह का अलग अलग पोस्ट निकला हुआ है, ये 22 में बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, चॉइस अलग अलग सबका होगा। अब जो सोचिए कि टाइपिंग सीख लिए होंगे तो वो टाइपिंग वाला जो सबसे बेहतरीन पोस्ट होगा, हिंदी टाइपिंग है तो हिंदी वाला देंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला देंगे, कंप्यूटर ज्ञान है तो कंप्यूटर ज्ञान वाला पोस्ट को चुनेंगे, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में देंगे। लेकिन जिसके पास टाइपिंग नहीं है, स्किल नहीं है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, तो वो भी तो कुछ करेगा, वही तो कुछ भरेगा, तो वो भरेगा राजस्व कर्मचारी। कब भरेगा? तो वो 10+2 अगर सिर्फ पास कर लिया, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप इस पोस्ट को फर्स्ट चॉइस में डाल सकते हैं, ये आपके लिए होगा। ठीक है, टाइपिंग अगर नहीं है, लेवल 2 का जॉब है, इसका ग्रेड पे 1900 आप लोग के लिए है। ठीक है, ग्रेड पे कितना है? 1900 है। देखिए सैलरी यहां पे अगर हम बात करते हैं दोनों का, तो बेसिक पे वगैरह सब जोड़ करके, हर चीज जोड़ करके अगर बात करते हैं, तो 32,000 से 37,000 तक शुरुआती सैलरी आप लोग को इन हैंड दिया जाएगा। यानी कि शुरुआती में जैसे महंगाई भत्ता, रहने का, खाने का, सब चीज का जोड़ करके अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 1900 ग्रेड पे इसका है, तो सब जोड़ करके बात करेंगे तो 32 से 37,000 रुपया। लेकिन ये पैसा तो वो छूता भी नहीं है, इसीलिए तो आपको बोलते हैं हम कि पैसा कमाते कमाते आप थक जाएंगे, ये जॉब पैसा देते देते आपको थकेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पैसा सैलरी का छूता ही नहीं है, ये पब्लिक का पैसा ज्यादा अपने पास रखता है। आप अलग बात है कि आप ईमानदार होंगे, बहुत अच्छे ऑफिसर होंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्लर्क होंगे, आप बहुत बढ़िया से काम करेंगे, ऑफिशियल वर्क करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन जो चाहेगा कि मुझे पैसा कमाना है, तो वो इस पोस्ट का फायदा बहुत ही बेहतरीन ढंग से उठा सकता है। गलत तो है, लेकिन गलत आजकल सही तरीके से जो कर रहा है उसके लिए वो सही ही हो जा रहा है, बस पोस्ट उसको बढ़िया पकड़ाना चाहिए। बहुत ईमानदार व्यक्ति को देखे हैं, बस उसको मौका नहीं मिलता तब तक कोई ईमानदार है, और जैसा ही मौका मिलता है वो बेईमानी के स्तर पर आ जाता है। तो यही आजकल का दुनिया है, आपको भी पता होगा। तो बस मौका मिलना चाहिए, मौका देता है राजस्व कर्मचारी का जॉब। ठीक है, ये चीज भी आप समझ गए होंगे, शॉर्टकट में आपको समझाना चाहिए, आप जरूर समझ गए होंगे। तो सैलरी यहां पे आपको इतना मिलेगा, ये सब डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा ताकि आप जब वैकेंसी को डालें तो ये सब चीज आपके पास रहे, तो आप आराम से उसको भर सकते हैं। और निजी जानकारी यानी कि आपका 10th के सर्टिफिकेट में मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, आधार नंबर क्या है, आपका सिग्नेचर क्या है, आपका फोटो क्या है, सब चीज ओरिजिनल वहां पे डालिएगा, गलती मत करिएगा। फॉर्म भरना बहुत बड़ा बात नहीं है, सही भरना बहुत बड़ा बात है। कहीं भी एक मिस्टेक हो जाएगा ना, मतलब छोटा सा भी, तो उसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब अंतिम रूप में आप पहुंच करके भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बशर्ते कि आप इसका रिटर्न का पीटी भी निकाल लिए, मेंस भी निकाल लिए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा बचिएगा, फॉर्म को अच्छे से डालिएगा। और सबसे बेहतरीन आपको हम एक बुक सजेस्ट करते हैं जो कि आपके लिए हमेशा काम करेगा, और इसी एग्जाम में नहीं सभी एग्जाम में काम करेगा, प्रीवियस ईयर का बुक, यानी कि जो आपका ये आयोग है ना, कौन सा आयोग, बीएसएससी आयोग, जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा आपका बीएसएससी इंटर लेवल का, तो इसका जो भी एग्जाम हो चुका है, एक ही बार एग्जाम हुआ 2014-15 में, लेकिन उसका भी प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, और उसका सीएसबीसी जो पुलिस का है, और बीपीएसएससी जो दरोगा का है, वो सबका आज तक का जितना भी एग्जाम हुआ सब प्रीवियस ईयर, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, यानी प्रीवियस ईयर आपको हमेशा इसमें दिया गया है। और जितना भी प्रीवियस ईयर को आप अगर पढ़ते हैं उतना ही फायदा, क्वेश्चन के साथ उसका डिस्कशन भी दिया गया है, और सभी क्वेश्चन के नीचे लिख दिया गया है कि कौन से परीक्षा में पूछा गया, किस शिफ्ट में पूछा गया है, और किस डेट में पूछा गया। ठीक है, इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, इसको जाकर के परचेज करने से ये होगा कि बिहार में कोई भी एग्जाम होगा ना, तो उसका प्रीवियस ईयर पहले आप पढ़ चुके होंगे, और एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कहां से क्या पूछेगा, तैयारी करने का बेस्ट दिशा आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के साथ, जो कि बीपीएसएससी, सीएसबीसी और बीएसएससी में जो भी एग्जाम आज तक हुआ है वो सबका इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग परचेज कर चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमेशा सबके लिए जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, इसको जाकर क्या पढ़िएगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, तो ये पोस्ट जो है आप लोग को भरना है इसलिए क्योंकि आपको नौकरी जो लेना है बेहतरीन पोस्ट पे लेना है, बेहतरीन नौकरी लेना है इंटर लेवल पे, इससे अच्छा जॉब आपको शायद नहीं मिलेगा। ऑफिशियल जॉब है, मतलब आपको हमेशा ऑफिशियल जॉब महसूस होगा इसलिए क्योंकि आपको एक रूम में आराम से काम दिया जाएगा, नॉर्मल फाइल का काम दिया जाएगा, पंखा के नीचे कूलर के सामने आपको बैठाया जाएगा, जनता आपसे मिलते रहेगी, बहुत सारा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, मजा भी आएगा आपको जीने में, परिवार के साथ भी आप रह पाएंगे, एक लिमिट समय तक काम कर पाएंगे, सब चीज़ आपको अच्छा लगेगा जब आप इस जॉब को करेंगे। तो आप जरूर जब इस जॉब को निकाल लीजिएगा तो कमेंट करिएगा कि हाँ मजा आ रहा है, पैसा से भी और काम से भी। ठीक है।